हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली रेसिपी। आज हम कुछ नया बनाएंगे जो कि है हनी क्रिस्पी चिकन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। इसके लिए हम लेते हैं हाफ केजी चिकन जो कि लंबी लंबी स्ट्राइप्स में कटे हुए हैं, काट लिया है हमने। आप साइजेस देख सकते हो किस साइज में काटा है हमने, आपको भी इसी साइज में काटना है। ये देखिए, अब मैं आपको मसाले बता दे रही हूँ। मसालों में हमें रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, ब्लैक पेपर 1 चम्मच और आधी नींबू और 1 अंडा, इसकी रिक्वायरमेंट है। अब हम धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। पहले हमने लाल मिर्च डाल, ब्लैक पेपर, नमक, नींबू का रस डाल दिया हमने और जो अंडा हमने रखा है वो मिला लेंगे इसमें। और इन सब मसालों की हम इस चिकन पे बढ़िया सी कोटिंग करेंगे। अब हम इन मसालों को कोट कर दे रहे हैं। इसके बाद जरूरत हमें पड़ेगी कॉर्नफ्लावर की। इस कोटिंग के बाद हम कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करेंगे, तो हमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर के लगेंगे। अब हम इस पे कॉर्नफ्लावर मिला रहे हैं। कॉर्नफ्लावर की 1 पत्ती कोटिंग इस पर करनी है। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। बढ़िया से पहले कॉर्नफ्लावर इसमें मिक्स हो जाए। अगर आपको कोटिंग पतली लगे जब आप बनाएं तो आप इसमें 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और मिला सकते हैं। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है तेल में। तो अब हम तैयार करते हैं कढ़ाई से फ्राई करने के लिए। अब हम कढ़ाई चढ़ा ले रहे हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हो। अब हम इन स्ट्राइप्स को एक एक करके तेल में डालेंगे, एक साथ ही नहीं डालेंगे, नहीं तो ये स्टिकी हो जाएंगी, एक दूसरे से चिपक जाएंगी। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये पकने में करीब 5 से 10 मिनट लगेगा। इन्हें पलट पलट कर पकाना पड़ेगा। मैंने चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया है ताकि ये एक दूसरे को ना चिपके और हम अलग अलग कर सके। इसमें थोड़ा कलर और आना बाकी है। अब ये गोल्डन ब्राउन होने हो गया है और 1 मिनट पका के हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है। ये हमारे चिकन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके लिए कोट ग्रेवी बनाएंगे जिससे हम कोट करेंगे। तो इसके लिए हमने कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, 2 हरी मिर्च, अदरक लंबी लंबी कटी हुई,
इसे हम थोड़ी देर सॉटे करेंगे एक मिनट के लिए। ये हमने क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली एक ही प्याज लिया है। अब ग्रेवी बनाने के लिए इन पांच सॉसों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें की है सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सेजवान सॉस, टोमेटो सॉस और रेड चिली सॉस। इसमें सोया सॉस एक चम्मच, ग्रीन चिली सॉस एक चम्मच, सेजवान सॉस एक चम्मच, रेड चिली सॉस भी एक चम्मच, टोमेटो सॉस हम दो चम्मच लेंगे और दो चम्मच हनी लेंगे। इन सबको मिलाकर हम इस ग्रेवी में डालेंगे और पकाएंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि तेल ना छोड़ दें। ये हमारी ग्रेवी अब पक चुकी है। इसमें हमने फ्राइड किए हुए किचन चिकन स्ट्राइप्स डाल दिए। ये बढ़िया से कोट हो गया, आप देख ही सक रहे होंगे बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल कलर आया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। और ये हमने प्लेटिंग कर दी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड से और हमारे बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।